हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? देखिए, मैं आज एक प्राणायाम लेकर आई हूं। मैं हमेशा बताती रहती हूं, आज मैं उसके फायदे, उससे जुड़ी हुई आपको सेहत की क्या क्या फायदे होते हैं वो सारा मैं आपको बताने वाली हूं। देखिए, योग, व्यायाम, प्राणायाम, ये आपके तनाव को तो दूर करते ही हैं, आपकी फिजिकल फिटनेस को भी बढ़ाते हैं, आपकी बॉडी को फिट रखते हैं। इसलिए ये सब करते रहना जरूरी है, चाहे आप हल्का फुल्का ही करें, थोड़ी देर ही करें, लेकिन ये सब करना आपको जरूरी है। देखिए, आज मैं बताऊंगी अनुलोम विलोम कैसे करते हैं सही तरीका और उससे होने वाले फायदे। देखिए, सबसे पहले आप अर्ध पद्मासन लगा लीजिए, क्योंकि अपने को ज्यादा देर तक बैठना होता है, इसलिए पूर्ण पद्मासन का अगर आपको अभ्यास है, आप लगाते रहते हैं, तो पूर्ण पद्मासन लगा लीजिए, और नहीं तो आप अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए। अर्ध पद्मासन भी में भी नहीं लगा सकते तो आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, आप सुखासन सीधे पालती मान के भी बैठ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अपन अर्ध पद्मासन में बैठ के और करेंगे अनुलोम विलोम। देखिए, अनुलोम विलोम दो फिंगर्स आपके यहाँ, ये वाली फिंगर से बंद करेंगे और अंगूठे से खोलेंगे। अंगूठे से जब बंद करेंगे तो इस वाले को खोलेंगे। ये तो हुआ एक नॉर्मल तरीका। देखिए, मैं स्पेशल वाला करती हूँ, आपको बताती हूँ। देखिए, यहाँ पे आपके मास्टर ग्लैंड्स होती है, मास्टर ग्लैंड होती है जो आपके सारे हार्मोन्स को नियंत्रित करती है, सारी बॉडी के ग्लैंड्स को नियंत्रित करती है। तो ये अपने को एक्टिवेट करना जरूरी होता है। तो दो फिंगर्स आप यहाँ रख लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा, बेहतर होगा। देखिए, दो फिंगर्स यहाँ रख लेंगे। अब आप इस साइड से, लेफ्ट साइड से इन करेंगे, ब्रीथ इन 1 सेकेंड तक और 2 सेकेंड तक सेंटर में होल्ड करेंगे, और फिर 3 सेकेंड तक आप अदर नोस्टिल से एक्सहेल कर देंगे, सांस को छोड़ देंगे। फिर जिधर से आपने एक्सहेल किया है उधर से ही इनहेल करेंगे, 2 सेकेंड तक सेंटर में होल्ड करेंगे, रोक के रखेंगे सांस को, फिर दूसरी साइड से आप एक्सहेल कर देंगे, छोड़ देंगे सांस को 3 सेकेंड तक। ये होता है इसका क्रम। अभी आपको कम से कम 20 टाइम्स इसको करना होता है। देखिए, इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, मैं आपको बेनिफिट्स बता देती हूँ, फिर एक बार वो करके बताऊंगी आपको सही तरीके से। ठीक है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है, स्किन को बहुत अच्छा बनाता है, ये क्लियर करता है, क्योंकि आपकी ऑक्सीजन, आप तो जानते ही होंगे, त्वचा आपकी स्किन भी सांस लेती है, तो ये करने से आपकी ज्यादा से ज्यादा स्किन में सांस आती है, इससे आपका फेस ग्लो करता है और पूरी स्किन में आपके ऑक्सीजन का प्रवाह अच्छे से होता है, इसलिए आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। देखिए, एकाग्रता बढ़ाता है, किसी भी चीज को, काम को करने में आपकी एकाग्रता बढ़ती है, जैसे आपके माइंड कुछ और, बॉडी कुछ और काम कर रही है, ऐसा नहीं होता है। इसमें आप जिस काम पे करते हैं उस पर आप फोकस कर पाते हैं अच्छे से, तो एकाग्रता बढ़ाने से भी बहुत अच्छा होता है आपकी बॉडी के लिए, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है फोकस करना। कि माइग्रेन ठीक होता है, इससे सिरदर्द, कैसा भी सिरदर्द हो वो चला जाता है, क्योंकि अनुलोम विलोम करने से सब पूरे बॉडी में आपके ऑक्सीजन का प्रवाह होता है, ऑक्सीजन का प्रवाह होने से आपका क्रोध शांत होता है, आपका तनाव डिप्रेशन खत्म होता है, जिससे आपका माइग्रेन की प्रॉब्लम, आपके किसी भी टाइप का सिरदर्द की प्रॉब्लम ठीक होती है। प्लस अनुलोम विलोम से आपकी बॉडी में ठंडा और गर्म का बैलेंस होता है, तो अगर आपको सर्दी से सरदर्द होता है, अगर आपको गर्मी से सरदर्द होता है, तो वो भी इससे ठीक होता है। तो किसी भी टाइप का सिरदर्द हो आपका, वो चला जाता है अनुलोम विलोम करने से। तनाव डिप्रेशन से आपका क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, ये उसको नॉर्मल करता है, और जो है आपकी उसमें ऑक्सीजन का प्रवाह अच्छा करता है, और ब्लड प्योरीफाई का काम करता है, प्लस ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है, जिससे आपका हार्ट भी हेल्दी रहता है और आपके लंग्स भी अच्छे से वर्क करते हैं। और फाइनल लास्ट है, आपके जॉइंट्स पेन में बहुत अच्छा वर्क करता है ये। देखिए, जॉइंट्स पेन में जैसे आप बाहर से सिकाई करते हैं ठंडी गर्म, तो उससे फर्क पड़ता है, ऐसे ही आप जब ये करते हैं अनुलोम विलोम, तो आपकी बॉडी में ठंडी और गर्म का बैलेंस होता है, जिसके आपके पेन, कोई सा भी पेन हो, कहीं भी किसी भी पार्ट में पेन हो, वो आपका पेन धीरे धीरे ठीक होता है। देखिए, एक बार और देख लीजिए इसको करने का तरीका, ये मैंने इसके सारे फायदे बता दिए हैं आपको, इसको सभी लोग कर सकते हैं आराम से, कि कोई सी भी बीमारी से पीड़ित हो आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। बस हार्ट पेशेंट ये ध्यान रखेंगे, जो अपन सेंटर में रोकते हैं 2 सेकेंड होल्ड करते हैं, वो होल्ड ना करें, बस इधर से ब्रीथ इन करें, इधर से आउट करें, इधर से इन करें, इधर से आउट करें। ठीक है, तो देखिए एक बार फिर देख लीजिए करने का सही तरीका। देखिए,
आपकी दो फिंगर्स यहाँ और जो है अंगूठा से ये वाला नोस्टिल बंद, ये वाला नासा छिद्र खुला रहेगा। इधर से इन करेंगे 1 सेकेंड, सेंटर में होल्ड 2 सेकेंड, दूसरी साइड से आउट 3 सेकेंड, फिर ब्रीथ इन 2 सेकेंड, सेंटर में होल्ड, जिधर से बंद कर रखा है उसको खोल के 3 सेकेंड तक एक्सहेल। देखिए आप फ्रेश एयर 1 सेकेंड लेते हैं, 2 सेकेंड यहाँ पे होल्ड करते हैं, जो पूरी बॉडी में आपके होल्ड होती है रुकती है वो 3 सेकेंड तक आप एक्सहेल करते हैं। एक्सहेल करने से जितनी भी बॉडी में खराब जो पॉइजनस गैसेस है वो सारी उसके साथ बाहर आती हैं, इसलिए अपने को 3 सेकेंड तक एक्सहेल करना होता है ताकि वो सांस उन चीजों को लेके बाहर निकल जाए, तो इससे बॉडी भी आपकी डिटॉक्स रहती है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? अनुलोम विलोम प्राणायाम, प्राणायाम बेस्ट है, अनुलोम विलोम बहुत अच्छी चीज है, हर प्रकार के रोगी हर प्रकार के पेशेंट कर सकते हैं, सभी को इससे फायदा होगा लाभ होगा। तो फ्रेंड्स देखते रहिए मेरे चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।